आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी पालक पनीर की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पर लगभग 250 ग्राम पालक लिया है। पालक को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया था। साइड से मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब हम पानी में 1 छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे, इससे पालक का जो कलर है वो एकदम हरा रहेगा। अब हम ये सारा पालक इसमें डाल देंगे। पालक को पानी में थोड़ा प्रेस कर देंगे। पानी में उबाल आने के बाद केवल 2 मिनट के लिए इसे उबालेंगे। 2 मिनट हो गया है, गैस को बंद कर देंगे और पालक को एकदम ठंडे पानी में निकाल देंगे। अब हम पालक को एक मिक्सर के जार में डाल देंगे और साथ में थोड़ा हरा धनिया डाल देती हूँ और 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ और इसमें बिना पानी डालकर पीसकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा पालक की प्यूरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 से 7 कलियां लहसुन की ली है, 8 से 10 काजू लिए हैं। काजू से ग्रेवी में एक बढ़िया थिकनेस आएगा। अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। इन सभी को मिक्सर के जार में डालकर बिना पानी के इसे पीस लेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने सभी चीजों को एकदम अच्छे से पीस लिया है। अब मैं एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल को गर्म हो जाने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी, 2 तेज पत्ते डाल दूंगी। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को एकदम फाइनली चॉप करना है। अब हम प्याज को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, प्याज हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, स्वादानुसार नमक डाल दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच सब्जी मसाला और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको ढककर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच में 1-2 बार चला लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी को मैंने रोस्ट करके क्रश करके डाला है, इन्हें मैं मिक्स कर दूंगी। और अब हम इसमें ये पालक वाला प्यूरी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, इसमें मैंने 1/2 गिलास पानी डाला है। आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी व पतली चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। यदि पराठा नान के साथ सर्व कर रहे हो तो कम पानी डालिए, यदि चावल के साथ सर्व कर रहे हो तो ज़्यादा पानी डाल दीजिए। अब हम ग्रेवी को 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं और हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई डाल देंगे। जो घर में दूध आता है उसी की मलाई को डाल रही हूँ, इसे मैंने चम्मच से फेर लिया था। आप चाहें तो बाजार वाला क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से मलाई को ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। मलाई को हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो, मैंने इसे बिना फ्राई करे ही ऐड कर रही हूँ। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम सब्जी को ढककर 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पनीर में ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये लीजिए, हमारे पालक पनीर की सब्जी तैयार है। ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी का टेक्सचर है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे इसे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। मैंने तड़का पैन में 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, घी का ही तड़का लगाइएगा। अब हम इसमें 5 से 6 कलियां लहसुन की एकदम बारीक कट करके डाल देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे। लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूंगी, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें सब्जी में तड़का डाल देंगे।
बहुत ही टेस्टी हमारे रेस्टोरेंट वाली पालक पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। आप इसे पराठे नान के साथ सर्व कीजिए। तो दोस्तों, आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।